गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलुनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, गुडविल के नाम से पता चल रहा है गुडविल ही हिडन है इसमें। तो सर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इसमें ना गुडविल नहीं दी होगी क्वेश्चन में, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखो एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ और है हिडन गुडविल निकालने का, लेकिन रिटायरमेंट में गुडविल निकालने का ट्रीटमेंट कुछ और है। रिटायरमेंट में क्या है गुडविल कैसे निकालोगे? हिडन गुडविल को जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है हमें उसको गुडविल निकालनी है। तो वो गुडविल कैसे होगी? मान लेते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है और एक्स वाई जेड में वाई रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, वाई का सारा हिसाब बैठ रहा है, मान लेते हैं 70,000 रुपये, कितना बैठ रहा है 70, और हम उसे 1,00,000 रुपये दे रहे हैं। भाई 30,000 किस खुशी में दे रहे हैं भाई, जब उसका हिसाब 70,000 बैठ रहा है और उसे हम 1,00,000 पे कर रहे हैं तो 30,000 हमने फालतू क्यों दिए? वो है गुडविल। वो क्या हो जाएगी? समझ में आ गया? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा है फंडा, ठीक। इसका क्वेश्चन कहते हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 17। एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 4:9, 3:9, 2:9, बी रिटायर हो रहा है एंड हिज कैपिटल मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिजर्व एंड गेन्स एंड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन स्टैंड 1,39,200। यानी कि जो बी रिटायर हो रहा है, बी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है और इसका अमाउंट कितना बैठ रहा है? 1,39,200 रुपये बैठ रहा है, लेकिन ए एंड सी इसको पेड कर रहे हैं कितना? 1,50,000। तो जो एक्सिस पे किया है, क्यों किया भाई? जब उसका हिस्सा ये बैठ रहा है उसको ये क्यों दे रहे हो? तो एक्सिस अमाउंट जो आपने पे किया वो क्या हो जाएगा? गुडविल। क्या हो जाएगा? गुडविल। समझ में आ गया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 10,800 रुपये जो हमने एक्सेस पे किया है ये क्या बन जाएगा? गुडविल। और हिडन गुडविल की एंट्री वही रहेगी जो आपकी रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करते हैं बताओ? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंटिन्यूइंग कौन है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सॉरी टू रिटायरिंग पार्टनर, बीज कैपिटल अकाउंट। सही में आ गया? 10,800। अब इसका रेशो निकाल दो। रेशो क्या है इनका? 4:2, यानी कि 2:1। 2:1 में बांटो 10,800 को, 5,800 कितना आ रहा है? देखो 5,850 और 4,950, ठीक है। ए और सी एग्रीड टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। हमारा न्यू रेशियो दे रखा है 5:3, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है हमारा? ए का 5:8 और बी का कितना है? 3:8। और ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? देखो 4:9 और 2:9, कितना आ जाएगा? 72:45 - 32, कितना जाएगा? ये 13:72 और 8 9 27 8 16 11:72। तो रेशो बना हमारा 13:11। इस रेशो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी 13:11 में, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट है दोबारा पूछो। है कोई डाउट? नहीं है? जोर से बोला करो, आवाज तो आए यहां तक। कोई डाउट है? हाँ अब आएगी ना आवाज यहाँ पे भी, लगा पता नहीं किससे बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया समझ में? 18 करा दूं? दो ही क्वेश्चन है, फटाफट करा देते हैं, दोनों ही निपट जाएंगे। शिवम कपिल एंड दीपक आर पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो है 3:1:2। 31 मार्च 2024 कपिल रिटायर हो रहा है, हिज
कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिवेल्युएशन 3,50,000, शिवम और दीपक एग्रीड हो रहे हैं पेमेंट करने के लिए 4,20,000। पेड कितना कर रहे हैं इसको? 4,20,000। और अमाउंट कितना बैठ रहा है इसका? एक्चुअल अमाउंट कितना बैठ रहा है? 3,50,000। तो 70,000 क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट। ये क्या हो जाएगा हमारा? गुडविल। क्या हो जाएगा ये? गुडविल। अब इसको भी रेशियो में बांटो। नया रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं दे रखा, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना? तो हिडन और गुडविल तो 70,000 आ गई। एंट्री करो शिवम और कपिल और दीपक, तो एंट्री क्या बन जाएगी? शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है पार्टनर? दीपक। दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 70,000 को बांटो, बांटो बराबर 3:2। 3:2 कितना हो जाएगा? 3:2 में बांटो। सेवेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय 5, 14,000 आ गया। 14 × 3 करोगे तो 42,000 और 28। मान लो समझ में आ गया, कोई डाउट है पूछो दोबारा से। ऑनलाइन भी ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है, और बहुत अच्छे अच्छे क्विज भी मैं डाल रहा हूँ आपकी रेट में, और MCQs बेस पे क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर करो। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही हैं सारे, बिजनेस स्टडीज के भी हैं और अकाउंटेंसी के भी हैं। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।